हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी चोजनर, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं कृष्णा का और एमी वे बंटाई का जो न्यू सॉन्ग आया है। एमी वे का गेस्ट के नाम से है और कृष्णा का आई गेस्ट के नाम से है। तो असल में यहाँ पे बीफ स्टार्ट हुई है फिर दोबारा से, पहले नाना करते हैं ख़त्म हुई थी इनकी बीफ, तो अभी दोबारा से इनकी बीफ स्टार्ट हो गई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम सबसे पहले एमी बंटाई का सॉन्ग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद कृष्णा का। असल में इनका पहले बीफ चला था और कृष्णा ने टेक ओवर कर लिया था एमी बंटाई को, और इनका दोबारा से फिर बीफ स्टार्ट हो गया। कृष्णा ने अपने जो न्यू सॉन्ग रिलीज़ किया आई गेस, उसके अंदर थोड़ा बहुत इसको एमी बंटाई को थोड़ा बहुत डिस किया, और एमी बंटाई फिर गुस्से में आकर उसने अपना फिर उसी नाम से जिस नाम से कृष्णा ने सॉन्ग रिलीज़ किया उसी नाम से उसने रिलीज़ कर दिया। पता नहीं अब कहाँ तक जाएगी इनकी बीफ यार। हम चलें चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं इनके सॉन्ग को, और पहले हम एमी में पिंटाई के सॉन्ग को रिएक्शन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एमी वे बंटाई आगे ले फिर से मालूम है ना। ओके, बंटाई को लगे ली भूख, मेरा नाम लिए बिना कोई काम नहीं दे रहा, लाफा दिया मैं सुनाई नहीं दे रहा, सबलिमिनल दे रही गाने में पड़ गई ली भाई, बंटाई का नाम नहीं ले रहा। ये खाली सिर पर ले गैस की ये लोग हैं बेस्ट, दे नॉट इवन श्योर, बदन पे एलवी आंखों से पैरों तक किशन डियोर डियोर, फिर लाइक पार्टी करने का बैटल तो बंटा, आई एम रेडी फॉर वॉर, मैं जैसे जे फॉर्डी ओपोनेंट खत्म करूं दे के स्पैंडम होम, ये करते क्यों बंटा को डेस, क्यों इट्स फ्री आई गेस, साइड में बिना बना मैं कामयाब, मेरे दिया स्ट्रेस जल्दी ना, बॉट की जरूरत नहीं है मेरा व्यूज मचाने, ये हम ब्लेस मचाएंगे, लाइन चुरा रहा तू अंग्रेजी गानों से आयला करने को फ्लैक्स, चले अब करता नहीं गैस आंख से मैं बेस्ट, बैक टू बैक गाने में लेता नहीं रेस्ट, बोले थे मालूम है मेरा एड्रेस, फिर मांग रहे ले लोकेशन, मैंने लगे लिए खाए बेटा लोकेशन, इसलिए पड़े मेरे लोकेशन जो है ना, ये वो कृष्णा वाले जन से वो उसका जो फ्लो है लोकेशन, वो बार बार जो फ्लो इसमें करता है उसी तरह यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं एमी बंटाई, मतलब कॉपी कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली डिस कर रहे हैं, देखते हैं इसको। पीछे मैंने बहुत पेशेंट देखा तेरे से, तुझे पसंद कॉकेशन क्योंकि यूके की पैदाइश औलाद है, मेरे माँ बाप से तुझे पसंद कॉकेशन क्योंकि यूके की पैदाइश, पीछे मैंने बहुत पेशेंट देखा तेरे से, तुझे पसंद कॉकेशन क्योंकि यूके की पैदाइश औलाद है, मेरे माँ बाप भारत से इसलिए तो बेटा भी फौलाद है, सक्करे बार बार बंटा का बहुत हाड़ी, साइन किए बिना कमा रहा मैं, उंगली उठा रहे ले इनकी क्या औकात है, डेवन से लिरिकल साथ में कमर्शियल संभाला बंटा ने सीन में, मेरा कुत्ता बना देते बीफ में। यार इस वीडियो में मैंने देखा है एमी बंटाई ने काफ़ी अच्छे से, मतलब वीडियो जो है जो इसकी वीडियो है काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट हुई हुई है, और काफ़ी अच्छा मतलब फ्लो भी इसके ऊपर बैठ रहे हैं, और व्यूज भी विजन भी काफी अच्छे हैं। मैं सीन के बैठा हूँ, मैं इनकी नींद खाली सिर पर ले गैस की ये लोग बेस्ट, दे नॉट इवन श्योर, बदन पे एलवी आंखों से पैरों तक किशन डियोर डियोर, फिर ले गाड़ी करने का बैटल तो बंटा, आई एम रेडी फॉर वॉर, मैं जैसे जे फॉर्डी ओपोनेंट खत्म करूं दे के स्पैंडम होम, आई एम रेडी फॉर वॉर, मतलब दोबारा इन्होंने बीफ स्टार्ट कर लिया यार, अभी ख़त्म हुई इनकी बीफ, वो मचाएंगे फोर जो सर रिलीज़ किया था कृष्णा ने। फिर से शुरू कर दिया इन्होंने यार, ये करते क्यों बंटा को डेस, क्यों इट्स फ्री आई गेस, साइड हुए बिना बना मैं कामयाब, मैंने दिया स्ट्रेस जल्दी ना, बॉट्स की जरूरत नहीं है मेरा व्यूज मचाने, ये हम ब्लेस मचाएंगे, लाइन चुरा रहा तू अंग्रेजी गानों से आयला करने को फ्लैक्स, चले मैं जी रहा ड्रीम क्योंकि मैं सपनों की नगरी को कर रहा रैप, मुंबई सोचेगा बंटा इज बैक, मैं किधर नहीं गया था, आई नेवर लेफ्ट, आई नेवर, लड़के आके से सब कुछ बता देगा वैसा है अपना एड्रेस, मैं हो चुका पास लाइफ में बचका ने, अभी तक लाइफ में दे रहे लेटर बचका ने, सिर्फ करेला स्नीक डिस तेरे गाने ने लोगों को सिखाया क्या, लड़की को लाते हैं बीफ में यही तेरी माँ ने सिखाया क्या, धन तेरा सब जो तूने कमाया, तू हाथ डाला औरों के थाली में, हाली में आया दिवाली में फरसन बन के, मालूम तू मिठाई था, कोई भी दे बीट सिंगर तू भी मेरे बेटा, जिंदगी में हारी जीत था, कितना भी लीक तू मेरे से वीक, जीत भी ना पाया तू करके चीट, खाली सिर पर ले गैस की ये लोग बेस्ट, दे नॉट इवन श्योर, बदन पे एलवी आंखों से पैरों तक किशन डियोर डियोर, फिर ले गाड़ी करने का बैटल तो बंटा, आई एम रेडी फॉर वॉर, मैं जैसे जे फॉर्डी ओपोनेंट खत्म करूं दे के स्पैंडम होम, ये खाली सिर पर ले गैस, ये खाली सिर पर ले कर ले, ये खाली सिर पर ले गैस, ये खाली सिर पर ले कर ले, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई तू नहीं है मेरा भाई, चूसेंगे देखो अपन में डाल के वाइटनर बच्ची तू चिनार, आखी पर रिपेंटिंग द किक डिस्टेंस ओनली आई नो आई एम अ सिनर, अरे था मैं हाई फाई इलाके में फिर भी मैं बदला नहीं बिगाड़ नो मैनर्स, मगल इज ए मोमेंट शी डोंट वांट टू लीव बिकॉज़ शी ऑलरेडी स्टेइंग विद विनो, बिच चलते रे चल, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए,
यार एमवी बंटाई ने तो पूरा मैदान लूट लिया यार, यहाँ पे तो अखीर ही कर दी इसने तो। मुझे तो लगता था कि शायद बीफ खत्म हो गया और ये पास हो गए, लेकिन दोबारा शुरू हो गए। चलो भाई, एमवी बंटाई के सॉन्ग को मैं देता हूँ 10 में से 8, ठीक है। अच्छा सॉन्ग था, नाइस। वो जो सी उसकी वीडियो डायरेक्शन थी और म्यूजिक कंपोजिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग, मतलब अच्छा था सब। बट ये कि यार एमवी बनटाई का मुझे अच्छा है, मतलब ओवरऑल रैपिंग अच्छी करता है, फ्लो अच्छा है उसका, लिरिकल मतलब लिरिकल भी ठीक है। बट ये है कि उसके ना जो सा जब गा रहा होता है, मतलब रैप कर रहा होता है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और उसके शायद उसका लहजे इस तरह का बोलने का, मतलब तरीका बोलने का इस तरह का, जिस वजह से उसके मुंह से वैसे लगता है कि मतलब गालियाँ देने को पड़ गया या फिर लड़ने को पड़ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन है। मेरे यार असल में तबीयत ठीक नहीं थी 3 4 दिन से, तो जिस वजह से मैं मेरी अपने आवाज़ थोड़ी बहुत नोट की होगी कि इतनी सही नहीं है, और जिस वजह से मतलब लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलें अब नेक्स्ट जो से रिव्यू देते हैं जी, कृष्णा के सॉन्ग को। चलें जी फिर कृष्णा के सॉन्ग को प्रीव्यू देते हैं और कृष्णा का सॉन्ग चेक करते हैं। कृष्णा का जो न्यू सॉन्ग आया है इसका नाम है जी कृष्णा-1, और सॉरी आई गेस के नाम से सॉन्ग, आई गेस। ओके आई गेस। Dollar sign one time. We back. सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव, मैं हाई नहीं कह रहा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब मांग रहे टाइम, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। जब पूछे या कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस। जब पूछे या ऑफ क्यू स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस। जब पूछे या कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस। जब पूछे या ऑफ क्यू स्ट्रेस, इट्स मी आई गेस। मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वन थे ऑन द पेवमेंट ट्राइंग टू गेट पेमेंट्स। कभी छोड़ के गए नहीं गेम, अब ना दे वो ना हेट अस जस्ट टू गेट फेमस। इनके गाने नहीं चले थे ब्लेमस। ओए होए 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 होए, शुरू हो गया जी कृष्णा भाईजन यहाँ पे, और कृष्णा ने पहली जो बार जो मारी है ना, अखीर ही मारी है। अब ना दे वो ना हेट अस जस्ट टू गेट फेमस। इनके गाने नहीं चले थे ब्लेमस, जैसे खुद लाचार ये बेबस। मांगी नहीं हेल्प नो फेवर्स, आज धनतेरस फॉर अ न्यू स्टेनलेस। अचानक स्टेनलेस। ओए होए 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 यार, ये रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं है, बट ये है कि जाहिर सी बात है कुछ जो लफ्ज़ हैं अगर नहीं मुझे समझ जाते तो मैं उनको पॉज करके ज़रूर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करूँगा कि हाँ जी भाई बोला क्या है उसने, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, क्योंकि ऐसा है कि कृष्णा जो सन अपने सॉन्ग में ना काफ़ी ऐसी वर्डिंग है जो मतलब वर्डिंग से मुराद ये, मतलब इसके लिरिक्स ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल लिरिक्स होते हैं इसके ना, जो है वर्ड्स हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब प्रोनाउंस नहीं होते सही सही मायने में, और समझ नहीं आते बात को, मतलब प्रोनाउंस से मुराद ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आते कि क्या बोला है, उसका मीनिंग क्या है। आई मीन उसके ना काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड होते हैं, इंग्लिश वर्ड को उर्दू में मतलब हिंदी में कन्वर्ट करके वो फिर आगे डिलीवर करता है। कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर, आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउन्स, पर करता नहीं रैप इन साइफर्स। ये टच है माइडस ड्रिल की वाइब पर, गॉट मोर बार्स एंड लाइफर्स। इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत, पर करता नहीं रैप इन कमर्शियल थे माइक पर, आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउन्स, पर करता नहीं रैप इन साइफर्स। ये टच है माइडस ड्रिल करता नहीं रैप ये साइफर्स। मतलब खत लिख के रैप नहीं करता, इसका कुछ मीनिंग नहीं करता। हाँ ये देखा सुना आपने लोकेशन, यहाँ पे ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो एमी ने बंटाई ने मतलब इनडायरेक्टली उसको डिस किया है कृष्णा को, ये फ्लो लेके। और मज़े की बात जो बीट है ना,
वो बीट भी मैं देखे काबू बीट्स है, मैं आगे देख रहा था काबू बीट्स के नाम से, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा वो सेम बीट, मतलब जो कृष्णा ने यूज़ की ना एम ए बंटाई ने भी वही यूज़ की है। जब आमने सामने नो लोकेशन ले रहे शॉट से मिस मी, इसे लग रहा है हाइप है डिस्की, जाके कर ले डिस यू स्टिल वो भी शिट, हां होगी नहीं हाइप कभी इसकी, मुझे पता है इन्हें हो रही है टेंशन, मुझे क्यों इन्हें हो भी ऑब्सेशन, बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन, पर करूं ना स्टोरी पे मेंशन, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस। इनकी सालों से जली थी मेरा लेवल है ऊपर तो हम में ना करीबी, मुझे मिली या बड़ी जी बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते हरी जी, सिंगर सिंगर तू है सिंगर, शूटर एक कॉल पे जब बजता है रिंगर, तेरी गर्ल है साथ यू कैन ब्रिंग हर, शी कैन कम फाइनली बी विद अ विनर। ओए होए 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 क्या बात है भाई क्या बात, तेरे कॉल पे जब बजता है रिंगर, तेरी गर्ल है साथ यू कैन ब्रिंग हर, शी कैन कम फाइनली बी विद अ विनर, रखा है हल्का हाथ लेकिन का शी कैन फाइनली बी विद द विनर, इससे ही कुछ कहा है She can finally come be with the winner. The winner, रखा है हल्का हाथ, लेकिन come finally be with the winner. रखा है हल्का हाथ, लेकिन काम पूरा भारी लगे। यार क्या यार, अखीर ही इसके लिरिक्स हैं यार कृष्णा के, मुझे इसकी लिरिक्स बहुत पसंद आते हैं यार। सही आप इंग्लिश और उसको हिंदी को उर्दू को मतलब उसने मिक्स करके, ओए होए होए। वैसे कृष्णा का मैंने हिसाब लगाया, कृष्णा की जो है ना लिरिकल जो सी उसकी जो लिरिकल टैलेंट है, उसका टैलेंट कह सकते हैं कि वे, और ये सेम जैसा हमारे पाकिस्तान में यंग सिंगर्स हैं तला अंजुमन तला यूनस, इन दोनों के जो लिरिक्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, बीच में इंग्लिश उर्दू मिक्स होती है, और जो वर्डिंग भी जो होती है ना लिरिक्स की वो कुछ जो जैसा आप ये देखें एक लाइन है, लाइन में जो एंड वाला जो वर्ड है ना वो इतना वो होगा क्रिटिकल होगा या क्या कह सकते हैं उसको, मतलब इतना हार्ड होगा कि यार मतलब बोलने में भी और सुनने में भी ऐसे मतलब तीन चार बार सुनना पड़ेगा या मतलब देखना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि हाँ जी भाई सही से प्रोनाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब नॉर्मली जो लोग हैं वो उस चीज़ को समझते थोड़ा टाइम लगता है, वरना हाँ जो मतलब बना रहे हैं जो गाने वगैरह उन्होंने जाहिर सी बात है पहले से रिसर्च किया होता है देखा होता है वो उसके बारे में मीनिंग निकाल के उसको फिर वर्डिंग उसके में उस उसकी जो वर्डिंग है वो फिर उसमें लिरिक्स में डालते हैं। सो दैट्स ऑल, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ। ओह डैम ब्रो ये खीर था वैसे। आज रात को कल्पना है घर पर साथ, हम स्टिल ऑन टॉप में ना आया नीचे 3 months क्या था वैसे? कल्पना थी कल जो सफलता कल काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ, कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ, कल जो सफलता कल्पना थी आज वो कल्पना है साथ, आज रात को कल्पना है घर पर साथ, आज रात को कल्पना है घर पर साथ। यार क्या नोट ऑफ में ना आया नीचे 3 months नो ड्रॉप फिर भी हायर रीच है, ग्रू अप ऑन अ सेट पर बट आई गेट चेक्ड इफ यू वेंट विद अ टेक्स्ट से आईआईटी से, मेरा प्यार था प्योर पर भाव नहीं टी से, टी से क्या मतलब है विजन, आईआईटी से आईआईटी से मेरा प्यार था प्योर पर भाव नहीं दी और भाई मैं थी छोड़ना बातें की और गर्ल आर ऑन कारपेट डीएम आई कारपेट डियर, अब छपरी है खबर है कवर पे या छपरी है कफन और कबर में, रह गए पीछे में आरानी पकड़ में रेल वंस रहते हैं बगल में, साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में अब काम में दे रहे हैं दखल ये कीचड़ से निकला ये कमल है कभी था हाथ ना साथ नो गवर्नमेंट, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस, बोल रहे क्या सुनाई नहीं तेरा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं तेरा, मैं भाई नहीं तेरा आई गॉट अ वेव मैं हाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा अब मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं तेरा, इट्स मी आई गेस। डैम ब्रो डैम यार अखीर था यार, इसका जो वाइब थी ना गाने की वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी यार कसम से, अखीर ही कर दी इसने तो यार। चले दैट्स इट, और अभी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको कृष्णा का सॉन्ग पसंद आया डू हिट द लाइक बटन, अगर आपको एमवे बंटाई का गाना पसंद आया सो डू हिट द लाइक बटन। मैं यहाँ पे कृष्णा के सॉन्ग को दूंगा 10 में से 9, वो इसलिए क्योंकि कृष्णा का जो सॉन्ग है ओवरऑल
मतलब ठीक है, बट ये है कि लिरिकली जो है ना कृष्णा आगे है एमी वे बंटाई से। कृष्णा की जो लिरिक्स हैं यार वो मतलब एमी वे कम्पीट नहीं कर सकता, बट ये है कि ओवरऑल दोनों अच्छे थे, दोनों के सॉन्ग मुझे पसंद आए हैं, नो डाउट दोनों ने बहुत मेहनत की अपने 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 सॉन्ग में। और हाँ जहाँ बात रही डिस्क की, तो यार वो पता नहीं क्या बनेगा, अभी ये डिस्क कंटिन्यू रहेगा कब कब, अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से में वो कृष्णा दोबारा से फिर डिस्क निकाले इसके ऊपर, फिर एम में आएगा दोबारा से, मतलब इन दोनों का फिर आपस में एक बार यार मिलकर सॉर्ट आउट कर लें क्या इंटरनेट के ऊपर। चलो ये है कि हाँ म्यूज़िक के ज़रिए चलो लोग इन्जॉय करते हैं, बट ये है कि यार हर म्यूज़िक में वही बातें वही एक दूसरे को गालियाँ अपना ढमकाना, बस करो यार रफा दफा करो इन्जॉय करो चेल मारो लाइफ को। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, दिस इज मी चर्जने साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज बाय। सफर ये सफर से करोड़ों में अब खर्चे आरो बेगटे पर्चे पाते अब हेली गुजरेंगी तेरे सर से, लोगों की अब आंखों से आदतों को पढ़ते पैसा मेरी तलाश में बदले मैंने आला।